Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of this bi-weekly contest of LeetCode 106. So let's get started. Question mein kehna kya chahta, we have already submitted our first solution. Second bhi bahut easy tha, but during my contest my first solution is successfully accepted. So I'm going to share you the solution of this question in this video. If you have not done yet, I will suggest you please pause the video and try it by yourself first. Then see our solution. This is very very easy one. Okay, so let's see the question first, and then I will share the solution of this also. So question mein kehna kya chahta hai? Check if the number is fascinating or not. The question is, the name of the question is simple. हमें बताना है कि number जो है fascinating है या नहीं. So you are given an integer n that consists of exactly 3 digits. यानी कि आपके पास 3 डिजिट का एक नंबर होने वाला है. अब उस वी कैन कॉल द नंबर फैसिनेटिंग. अगर उस नंबर को हम फैसिनेटिंग कह रहे हैं, अगर उस नंबर को जो 3 डिजिट का नंबर है, अगर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई एंड ठीक है, 2 से भी करना है और एंड 3 से भी करना है साइमल्टेनियसली, ठीक है. और जब उनका नंबर का उस नंबर के साथ आगे पढ़ते तब क्लियर हो जाएगा. We call fascinating after the following modification, the resultant number contains all the digits from 1 to 9 exactly once. यानि हर एक digit एक ही बार आना चाहिए. जैसे आपने एक number है, उसको 2 से multiply किया, उसको 3 से multiply किया, और तीनों value को जोड़ देना है, और उसके अंदर जितना भी जोड़ने के बाद, concatenate करने के बाद, देखो concatenation लिखा है, concatenate करने के बाद अगर सारे digit एक बार है और उसके अंदर एक भी zero नहीं है, then Your answer is fascinating. तो आपको प्रूव करना है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. दैट सिंपल एंड इजी कोड. मैं एक बार आपको कोड करके दिखाता हूँ कैसे कोड इसका होने वाला है. तो ऐसे ही लेट्स सी क्या कर सकते हो आप. सबसे पहले क्या करना आपको, सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस में लिख रहा हूँ, तो इट्स एन इजी वन. हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग using namespace std with main end n और c in n. मतलब आपको एक n तो दिया ही रहेगा, ठीक है. तो सबसे पहला टास्क क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं एक और इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर a, जिसके अंदर क्या होने वाला है. इंटीजर a ले लो, या फिर मैंने अपने कोड में मैंने उस वक्त n लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है. मैंने एक इंटीजर a लिया जो मेरे को सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करके देगा 2 को n के साथ. फिर एक इंटीजर बी लोगे जो मल्टीप्लाई करते हैं 3 को n के साथ, ठीक है. दोनों आ गए. अब क्या करना है आपको, तीनों को कॉन्कैटिनेट करना है. कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम स्ट्रिंग में लेंगे वैल्यू. तो सबसे पहले आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो पहले स्ट्रिंग बनाना होगा. स्ट्रिंग मैंने क्या बनाया, फिर से मैं एक बड़े लेटर ले लेता हूँ, स्ट्रिंग ए. स्ट्रिंग ए में क्या होगा, जो मेरा 2_string string, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ए को, तो ए में स्ट्रिंग हो गया. ऐसे बोलते टाइप कास्टिंग, ठीक है. इसी तरीके से मैं b को भी ले लेता हूँ, b भी मेरा int में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट आई नीड, मेरे को एक और स्ट्रिंग बनाना होगा जो मेरे उस n को कन्वर्ट करेगा. मैंने स्ट्रिंग c ले लिया लेट्स सपोज, और उसके अंदर क्या, मैंने जो मेरा 2 नंबर है 2 स्ट्रिंग में मैं कर रहा हूँ c को, तो मैंने c को 2 c ना n n को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया. मेरे पास सारे नंबर स्ट्रिंग में आ गए हैं, मैं एक और एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ. वैसे बनाने की जरूरत नहीं, मैं सीधा ए के अंदर ही ए जो है उसी के अंदर प्लस और इक्वल्स टू करके कर सकता हूँ. प्लस और इक्वल्स टू के अंदर बी कर लिया, ठीक है. और इसी के साथ प्लस और इक्वल टू के अंदर मैंने प्लस ए के अंदर ही प्लस और इक्वल टू के अंदर सी कर लिया, सी बन, ठीक है. अब मेरे पास ए जो है वो आंसर आ चुका है. एक बार आप आंसर चाहे तो देख भी सकते हो. ए को मैंने प्रिंट करके हैंडल कर लिया. एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को, C++ और लेट्स रन दिस कोड. तो देखो जैसे आपने 192 वैल्यू डाला तो आपको आ गया. पहले क्या है 192, ये पूरा एक स्ट्रिंग वैल्यू है और ये सारे इसके अंदर सारे डिस्टिंक कैरेक्टर है, ठीक है. तो इसका आंसर ट्रू आएगा. देखो 1 है, 2 है, 9 है, सब वैल्यू एक ही, यानी कि मेरा आंसर सही है. अब मुझे बस चेक करना है किसी तरीके से मुझे एक चेक करना है कि क्या इसके अंदर वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है या नहीं. तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक बुल फ्लैग बना लेता हूँ, ये बस चेक करेगा, जिसकी वैल्यू फिलहाल अभी जीरो है. अब क्या करूंगा मैं,
जो मेरा ए है उसकी साइज होगा। तो मेरे में अभी तक एन यू एम यूज नहीं किया है, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसके अंदर ए डॉट साइज होने वाला है। ठीक है, ए डॉट साइज आया, फॉर लूप चला रहा हूँ मैं, फॉर इंट आई की वैल्यू, इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एन नहीं है मेरा, अब एम है क्योंकि एम साइज है ना उसकी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इफ इफ मेरा इफ एन ऑफ आई, जो मेरा ए ऑफ आई है, जो नया वैल्यू बन गया ना, तो ए ऑफ आई की वैल्यू अगर इक्वल है, इक्वल इक्वल है ए ऑफ आई प्लस वन से, तो मतलब मुझे एक माइनस वन तक ही चेक करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम माइनस वन तक ही चेक करेंगे। अगर इक्वल इक्वल है तो मेरा क्या करो, जो मेरा फ्लैग है उसको वन कर दो, ऐसा लीजिए फ्लैग इक्वल टू, मैं वन किया और उसको ब्रेक कर लिया, सिंपल। अब क्या है, इसके पहले एक और टेस्ट केसेस हो सकता है, क्या एक और केस हो सकता है, इफ इफ ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ इक्वल टू के अंदर 0 आ जाए, 0, ठीक है, तो भी ब्रेक कर दो, फ्लैग को वन कर दो, फ्लैग इक्वल टू वन और ब्रेक कर दो बस। अगर अब बस मेरे को रिटर्न ट्रू और फॉल्स में करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, इफ फ्लैग की वैल्यू इक्वल टू वन है, सॉरी अगर फ्लैग इक्वल टू वन है तो सी आउट कर दो यस नो, सॉरी सी आउट कर दो नो एंड एल्स सी आउट कर दो यस, एल्स कर दो सी आउट यस, सिंपल। एक और मैंने ऊपर कुछ सी आउट किया था, नहीं किया था ना, चलो एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे ए मैंने छोटा वाला यूज किया है, बड़ा वाला है, अब रन करते हैं इस कोड को। मैंने 192 डालना है तो आंसर यस आना चाहिए, यस। अब इसके सेम कोड है, मैंने सेम कोड को, अगर आपको लीड कोड में आप बिल्कुल नए हो, आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, तो वो लोग ऑलरेडी फंक्शंस बना के दे देते हैं, ठीक है। आपको बस सोल्यूशन फंक्शन को रिटर्न करना होता है, जैसे यू कैन सी दैट कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर बुल है, यानी ये बुल फंक्शन है, ठीक है, तो आपको रिटर्न करना होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से सारा कोड, या आप यहाँ से ए के बाद से सारा कोड कॉपी करके अगर आप यहाँ पेस्ट कर दो तो भी आपका आंसर सोल्यूशन एक्सेप्ट होगा। लेट्स सी कि मेरा सोल्यूशन कब एक्सेप्ट हुआ था, यू कैन सी दैट माई सक्सेसफुली समेशन इज एक्सेप्टेड रिजल्ट। एंड इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सेम कोड सेम सेम है, पहले एन एम लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर। अब इसमें एक चीज और है कि आपका जो ये वाला कोड है वो अटकेगा, क्योंकि अगर आपने सॉर्ट नहीं किया, ठीक है, लेट सपोज कि एक कैरेक्टर दो बार आया है, तब तो जब तक आप सॉर्ट नहीं करोगे तब तो फंस जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जाना है आपको और सॉर्ट कर लेना है, SORT सॉर्ट ए डॉट बिगिन। अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो आपका ये फंस जाएगा, मतलब कि वो आंसर नहीं सही करेक्ट है, ए डॉट सॉर्ट ए डॉट एंड, ठीक है। इतना है बस, सिंपल सा कोड है और इसको रन करना, सॉर्ट मैंने यूज किया है, तो मुझे यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम या तो बिट्स बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड C++.h ये यूज करना पड़ता है फॉर रनिंग दिस कोड, और ये सक्सेसफुल रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डॉट बिगिन और ए डॉट एंड लगाया है, तो यहाँ पे डॉट बिगिन की स्पेलिंग का अलग है, BEGIN बिगिन, सॉरी ए चुटू पुट गया, इस पे ध्यान नहीं देने का, और आपका आंसर ये साथ है। तो ये मेरा कोड है, यहाँ पे मैंने एक चीज, मैंने पहले जब मैं कोड कर रहा था तभी मैंने मिस कर दिया था, अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो ए दो कैरेक्टर सेम कैसे आएंगे, है ना। सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सेम कोड विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। एंड आई होप सो, इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रिंग में बिना कन्वर्ट करे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा सोल्यूशन है वो ऑफ एन लॉग एन है, वो ऑफ एन लॉग एन है, क्योंकि सॉर्टिंग कर रहा हूँ मैं, तो इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, अवेलेबल है, एंड अगर है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया, पूरा इजिली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ। Thank you.